अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सभी लोग। तो फिलहाल तो भाई अभी मैं यहाँ पे तीतरों को भाई नहलाने के लिए लेके आ चुका हूँ। भाई बहुत ज़्यादा गंदे भी हो चुके थे, मैं कहा चलो अभी इनको नहला लेता हूँ। तो भाई पानी मैंने इनको फुल भर के रख दिया है, तो बस अभी नहलाते हैं। खोल चुका है भाई, अब इनको पानी भी मैंने इनका फुल भर दिया है, तो बस अभी पानी में डालते हैं। ताला डालो भाई, इनको डुबाओ पानी में, इनको साफ भी करना है भाई, बहुत ज़्यादा गंदे भी हो चुके। और तुम लोग कहते हो इसको नहलाया नहीं करो, ये मर जाएंगे। तो भाई ये मरते नहीं है, इन लोग खुद पानी में खेलते हैं, और इनको नहलाना ज़रूरी है। इनके जिस्म पे जो इतनी मिट्टी है कैसे साफ होंगी, खुद ब खुद तो होंगी नहीं। और इसको एक और को भी लेके आता हूँ भाई। इनको बैठाना पड़ेगा भाई, तभी जाके इन लोग थोड़ा इनको आराम मिलेगा, वरना तो पानी में ही कूदे उड़ नहीं जाए भाई। इनको थोड़ा उड़ना भी अभी आ चुका है, ये देखो ये सही मस्त है, बैठना भाई। अरे अरे भाई क्या हो गया, ये देखो ये देखो ये देखो, ये मेरा मोबाइल गीला करेंगे। उड़ रहे भाई ये तो उड़ रहे, और अभी बारिश भी सुबह के टाइम हुई थी, और मौसम भी सही मस्त है भाई। ये देखो ये देखो ये देखो, खेल रही है, बहुत नहला दिया। तो बस अब इनको खोल के रख देता हूँ, इधर ही घूमे थोड़ा सा, क्योंकि अभी इन्होंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नहाया, इनको ज़्यादा नहीं डुबा सकता क्योंकि बीमार नहीं हो जाए, क्योंकि भाई इतनी गर्मी थी ना हमारे यहाँ पे हद से ज़्यादा। तो बस भाई तो पानी को हटा देते, तो उसको बाद में जाके नीचे लेके चले जाएंगे। एक तो बार भाई कोने खांचे में चले जाते ना भाई, इसको यहाँ से हटाओ, हटो 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 हटो, आधी नहीं करो, आधी नहीं करो, आधी नहीं करो। तो बस अभी थोड़ी देर इन सूख जाए इनके बाल, तो भाई इनको मैं अंदर बंद कर दूंगा। और इनको खाना पानी भी इनका अभी तक मैंने दिया नहीं है इनको, ये देखो अभी कितना छोटा सा लग रहा है, उस टाइम इतना बड़ा बड़ा लग रहा था ये तीतर, ये देखो ये तो और ही कमज़ोर हो गया भाई। इनको तभी मैंने कह रहा था भाई कि नहलाऊंगा नहलाऊंगा, तो भाई एक हफ्ते से यही कह रहा था, अभी मैं नहला दिया भाई इनको मैंने, क्योंकि बहुत गंदे हो चुके थे यार, बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, बहुत मिट्टी इतनी लग गई थी ना भाई इनके जिस्म पे, बहुत ज़्यादा मिट्टी। ओ ये देखो भाई, ये चीलों का हमला शुरू होने वाला है, तो एक काम करता हूँ इनके पास थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ, फिर बाद में इनको बंद कर दूंगा। ये आमने सामने भाई चीले आना शुरू हो चुकी है, तो बस अल्लाह खैर करे, थोड़ी देर बस सूख जाए ना इनको मैं बंद करता हूँ, क्योंकि चीले आने जाने शुरू हो चुकी है। तो एक काम करता हूँ इनके पिंजरे को इधर ही रख देता हूँ, इधर रख देता हूँ भाई पिंजरे को, इधर से हट जाओ भाई, साइड में जाओ, साइड में जाओ, साइड में हो जा। तो ये पूरे कबूतर जैसे लगते हैं भाई, ये वाइट वाले तीतर, जा उधर चले जा, अंदर चले जा, अंदर चले जा, जा 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 जा, अंदर इनको भेज दिया भाई मैंने, चल अंदर जा, अंदर इनको मैंने भेज दिया, क्योंकि फिलहाल तो भाई ऊपर चीलों का भाई आना जाना शुरू हो चुका है। बच गया भाई, बच गया, अभी इनको लगता भाई सही वाला बच गए। अभी भी देखो मस्ती इनकी इतनी है, अभी भी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, धक्का धक्की लगी हुई भाई। और इनका भाई पिंजरे का ये भी साफ करना है, नया गत्ता लगाना है, कागज लगाना है इनके लिए, क्योंकि इनके जो पिंजरे में ना भाई बहुत ज़्यादा घेप है, तो इनके पंजों को लगे नहीं, तो तभी हम लोग कागज़ और गत्ते लगाते हैं इसके पिंजरे में, इनके भाई पंजों पर लगे नहीं। अब थोड़ी देर बाद इनको बंद करूँगा, बस धूप आ जाए ना, धूप भी तो नहीं आ रही भाई। वो देख लो भाई मौसम, तुम लोग को ज़रा दिखाता हूँ मैं कराची का, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम, और पूरी रात भाई बारिश चली, पूरी रात बारिश हुई है बहुत ज़्यादा भाई, पूरी रात, वरना तो इससे बारिश होती नहीं, तो अभी भाई पूरी रात, मतलब सुबह कल को, मतलब के पूरे मौसम में थी नहीं, रात से बारिश स्टार्ट हुई है 1 या 2 बजे से, फिर उसके बाद से बस सुबह तक, मतलब के 11 या इतने बजे तक बारिश हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है। सही है भाई, कराची का मौसम ठंडा हो जाएगा, वरना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना भाई, हम लोग को पता है हमारी क्या हालत हो रही है कराची में। अभी थोड़ी और बारिश होंगी, हम लोग नहा भी लेंगे भाई, हम नहाते हैं, मतलब बारिश के पानी का भाई अलग ही मज़ा होता है भाई, बारिश के पानी में नहाने का भाई अलग ही मज़ा होता है, मतलब दाने हट जाते, जो जिस्म में दाने निकलते ना गर्मी की वजह से, वो बारिश की वजह से वो दाने सारे हट जाते। तो बस अभी एक ही बात सही, तेज़ बारिश होंगी ना भाई उसमें हम लोग सही नहाएंगे, क्योंकि अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, इसमें नहाने का फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल हल्की फुल्की हो रही बहुत ज़्यादा भाई। घंटा हो चुका है भाई, तो बस इनको बंद कर देते, बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुके हैं, मैं नीचे चला गया था, इनको इधर ही छोड़ के मैं चला गया था, तो बस अभी इनको बंद कर देते। ये देखो भाई कहाँ जा रहा है, भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, जाओ भाई अभी इनका
घर जरा से बीच में जो दीवार खड़ी की हुई है ना, इनकी वजह से की हुई भाई, लड़ाई झगड़े करते बहुत ज़्यादा, तो तभी इसी वजह से इनको मैंने ये बीच में बॉर्डर खड़ी की हुई, वरना तो बॉर्डर खड़ी करी ही नहीं, इनकी फाइट शुरू हो जाती भाई माराधारी, उसी वजह से इनको अलग बंद करना पड़ता है। आ जा भाई, आ जा आ जा। अबे कहाँ भाग रहे भाई, कहाँ भाग रहे, इसको भी बंद कर दूँ। और इनका अंडा तो भाई ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है, उल्टा इनका अंडा टूट गया भाई, ये देख रहे हो अंडा, ये इनका अंडा ख़राब हो चुका है, पता नहीं क्या हो चुका है इनके अंडे को, कोई चोंच मार के इसने तोड़ दिया इसके अंडे को। ज़रा खोल के दिखा दूँ भाई इनके अंडे की कंडीशन, ये देखो भाई ये है इनका अंडा। आ जाओ बैठो, इसके अंडे को ज़रा खोल के देखते, क्योंकि पूरा टूट ही चुका है भाई, पूरा ज़ाया हो चुका है तो अंडा आज सामने से तो हटो। भाई भासी मुझे लगता है पूरा कड़क हो चुका है, एक्सपायर्ड भी हो चुका होगा इसका अंडा, तो कब का अंडा था, एक टूट भी नहीं रहा है भाई, इनके अंडे की भाई कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, टूट भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ही कड़क हो गए। टूट जा भाई, अब मैं इसको ज़्यादा ज़ोर से इसलिए नहीं कर रहा, इससे नहीं भाई पूरा ख़राब हो जाए, क्योंकि तोड़ना तो है अंडा, क्योंकि कब से एक हफ्ते से पड़ा हुआ है भाई। तुम लोग बोलोगे कि भाई आपने इसका अंडा तोड़ दिया, ये कर दिया, तो भाई मैं बता देता तो पहले से ही, इनके अंडों का भाई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इनके अंडे कभी मतलब के होते ही नहीं भाई, इससे बच्चे कभी निकलते ही नहीं है, क्योंकि जो मैं जहाँ से मैंने तीतर खरीदा था, अंकल ने कहा था बेटा इनके अंडे मतलब बहुत मुश्किल से कोई ना कोई एक बच्चा निकल जाए, वरना तो नहीं निकलता, सारे ख़राब हो जाते, और इनको बिल्कुल संभालना पड़ता है, और ये तीतर अपना अंडा कभी संभाल ही नहीं सकते, ये खुद दुकान वाले कहते कि हम लोग तब तीतर लेके पालते ना, हम लोग खुद संभालते इनके बच्चों को और इनके अंडों को, तब भी जाके कुछ होता है। पानी भी खाना भी ला के रख दिया, तो अभी भी खाना पानी दे देता हूँ इनको, भी अभी तक दिया नहीं, नहला तो लिया है, अब खाना पानी भी दे देता हूँ। बिल्ली को तो हमने सुबह को भाई मच्छी दे दिया था, अभी इसके लिए और भी मच्छी लेके आए हम लोग ने मार्केट में, भाई 50 रुपये की आती है भाई मच्छियाँ, फिर भी छोटी आई जो मच्छियाँ होती है जो बिल्ली के लिए, वो 50 रुपये की तकरीबन 7 मच्छी आती है, तो तकरीबन वो तकरीबन 3-4 दिन तक तो चल रहती है, क्योंकि उसको बिल्ली को खिलाते हैं मतलब एक दिन में 3 दफ़ा देते हैं बिल्ली को। फिलहाल तो भाई अभी बिल्ली को हम लोगों ने भाई बिल्ली को क्या तो तीतरों को खाना दे दिया है, तो बिल्ली को तो सुबह को ही दे देते, सुबह जब उठते हम लोग तकरीबन सुबह तो हम लोग भाई 9 या 10 बजे के टाइम तक देर से उठते, क्योंकि अभी तो फिलहाल छुट्टियाँ हैं ना, तो तभी देर से उठते, क्योंकि 15 तारीख से हम लोग को भाई कॉलेज जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भाई छुट्टियाँ बढ़ा दी हमारी, जो मैंने पहले भी बताया था, तभी उसी वजह से अभी हम लोग को लेट जाना होगा, तो तभी अभी फिलहाल खाना दे दिया, अभी जाके भाई पौधों को भी पानी दे देते, अभी तक मैंने नहीं दिया है, तो भाई वो रहा पौधा, उसके लिए भी पानी लेके आना पड़ेगा, पौधों को इधर ला के ही रख दिया हवा के लिए, जिसको हवा लगे, और पानी भी भाई पूरा ज़्यादा पानी नहीं देता हूँ, लिमिट पे पानी देता हूँ, वो भी एक दिन में एक दफ़ा देना था इसको, तो बस अभी इसको दे दिया पानी, तो बस अभी चलते हैं। ऐसे तो बोतल पूरी भरी हुई, मगर पूरा नहीं देना है, थोड़ा ही देना है, क्योंकि अभी तो देख रहे हो यार फूल इसके बिल्कुल झड़ चुके, भाई फूल तो इसके बड़े नहीं हो रहे, और ये देख रहे हो यार पौधों में सुराख हो रहा है, तो तभी अभी मुझे तभी ये पौधे पसंद नहीं, फूलों वाले मुझे पौधों से भाई नफरत है, इसलिए क्योंकि भाई उसके फूल कभी बड़े होते नहीं, होते तो भी झड़ जाते, तो तभी मुझे ऐसे फूलों मुझे ऐसे पौधे नहीं पसंद है, मुझे जो पौधे पसंद है ना वही सीधा जो दरख्त टाइप के होते हैं ना, जिसमें से पत्ते वो बड़े ही बड़े होते जाए, ऐसे पौधे मुझे पसंद है, फूलों वालों से भाई मुझे इतने पसंद नहीं है, मुझे इतने खास पसंद ही नहीं फूल वाले पौधे, क्योंकि वो मुझे पता है ना वो बड़े होंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते, देखो जैसा जो मैं लेके आया जाए तुम लोगों को शायद पता होगा, अगर नहीं देखा तो मेरे पुराने ब्लॉग में जाके देख लेना, 7 दिन पुराने वाले, जिसमें फूल बड़े हुए 3 दिन तक बड़े हुए, उसके बाद फूल झड़ गए, ये देखो यार, क्योंकि उसमें ना भाई बहुत ज़्यादा खुआरी होती है, उसमें पता नहीं कौन कौन से भाई स्प्रे लगाने पड़ते हैं, उसको देना पड़ता है भाई, तब जाके सही होते, तो बस जब उस घर में जाएंगे तो भाई तब जाके ले लेंगे, दूसरे चंबेली का फूल सही होता है, चंबेली के फूल में इतनी खुशबू होती है ना भाई, पूरे घर में खुशबू हो जाती है, इधर ही उन्होंने रखते मच्छी लेके आ गए, इसको मच्छी दे रहे, ये ले भाई पीछे देख फिश है, तो बस अभी ये फिश खा लेंगी, तो उसके बाद आदि क्या कर रहे, तो इसको फिश दे दिया भाई,
सुबह को दिया था 10 बजे के टाइम, वो अभी 12 बजे, तो इसको दोपहर के टाइम मतलब कि इसको दे दिया, अब बस रात के टाइम इसको खाना देंगे। मतलब दिन में 3 टाइम जैसे ज़्यादा नहीं देते, वरना तो भाई इसको मोशन हो जाएंगे। तो बस अभी ये खा लें तो इसको बंद कर देंगे हम लोग। साइड में हो जाओ ना, आप साइड में हो जाओ। अब इसको बंद कर देते क्योंकि वो खाते खाते बाहर करेंगे ना, फिर और गंद हो जाएगा, तो एक उसकी आवाज़ ऐसी हो जाती है ना। फिर उसको उधर करते गलती के ऊपर सोने की जगह, उसको भाई अंदर फिलहाल बंद कर दिए, बाद में उसको भाई अंदर लेके आ जाएंगे। दोस्तों आज के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।